हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आज आपका फिर स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी मैथ्स की प्रश्नावली 1.1 का, जो हमने पहला भाग किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व थे। अब आप प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ने वाले हैं, जो आपको बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। पहली चीज, वास्तविक संख्या होती क्या है वो आप पता होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या जो आर होता है, रियल नंबर का सेट, उसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, दशमलव वाली संख्या और करणी वाली संख्या होती हैं। ठीक है ना, धनात्मक ऋणात्मक दशमलव वाली संख्या और करणी वाली संख्याएं, या दशमलव को आप बटे वाली संख्या भी, पी बटे क्यू वाली संख्या होती हैं। तो पहले आप चेक करते हैं जो समुच्चय, इस समुच्चय की बात हो रही है कि आप किसी भी धन ऋण दशमलव या बटे वाली या करणी वाली संख्या की बात कर सकते हैं सवाल में। फिर आपको बताना है कि जो संबंध आर दिया गया है वो ए बी योग्म के रूप में चल रहा है, तो ए जो है बी वर्ग से छोटा या बराबर है, इस टाइप की संख्याएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। आपको बताना है कि जो संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो पहली चीज हम चेक करते हैं, स्वतुल्य को चेक करेंगे कि स्वतुल्य नहीं है, हमें सिद्ध करना है। और स्वतुल्य नहीं होगा तो एकाध एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जो एग्जाम्पल आर में ना हो। ठीक है, एकाध एग्जाम्पल ऐसा ढूंढना होगा इस आर से जो जो इससे संतुष्ट ना हो रहा हो। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, मान के चलिए 2 और 2 लिया, क्योंकि स्वतुल्य में समान टाइप के अवयव लेने हैं। जैसे हमने 2 और 2 लिया, तो यहाँ पे पहली संख्या 2 जो है दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटी है। बिल्कुल सत्य बात है, मतलब दो दो एग्जाम्पल यदि आप लेते हो तो वो आर के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से जो है बिल्कुल छोटी है। यदि आपने ऐसा लिया होता 1/2 और 1/2, तो 1/2 1/2 के स्क्वायर से छोटी होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1/2 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 बड़ी होती है। ये बात यहाँ पे असत्य हो जाती है। तो हमने लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसा है 1/2 1/2 के रूप में, कि जो कि आर से बिलोंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनने कहा है आर में। आर में मतलब सब संख्याओं के लिए ये चीज लागू होनी चाहिए, लेकिन 1/2 1/2 एक ऐसा एग्जाम्पल मिला है जो आर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल नहीं होती है। इस वजह से हम क्या कह देंगे कि 1/2 1/2 बिलोंग नहीं करता है आर में, क्योंकि पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटा नहीं है। क्योंकि ये 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है 0.25, यहाँ 0.50 बड़ा होता है 0.25 से। तो इस वजह से ये चीज जो है इसके अंतर्गत नहीं आ पाएगा। तो फिर हम कहेंगे अतः जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य तो हो गया सॉल्व के, स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं, फिर सममित की बात करेंगे, सममित है या नहीं। तो सममित को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने बताया यदि कोई अवयव आप ऐसा चुन लें, ठीक है ना, जो कि इसमें बिलोंग करता हो, आर में बिलोंग करता हो, तो उसका उल्टा भी जो है आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल चुनते हैं, जैसे हमने 2 3 एग्जाम्पल चुना, तो 2 3 एग्जाम्पल चुना, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 2 का 2 और दूसरी संख्या 3 का स्क्वायर बिल्कुल छोटा होगा 2 3 से, मतलब ये संख्या तो इसके अंतर्गत आती है। यदि आप पलट के बोलो कि 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो ये बात भी तो सत्य है। फिर तो आपको कोई एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके लिए कथन आपका असत्य हो जाए। तो इसके लिए हम एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली 1 4, 1 4 हमने संख्या ली, तो 1 4 संख्या ली, जे अभी बिलोंग कर रही है आर में। क्यों बिलोंग कर रही है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि पहली संख्या जो 1 है दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटा है, इसलिए बिलोंग कर रही है। लेकिन यदि हम इसका उल्टा देखें कि इसका उल्टा 4 1 करें, तो क्या ये बिलोंग कर पाएगी आर में, ठीक है, करेगी या नहीं करेगी, देखते हैं। 4 पहली संख्या, 4 दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटा होगा,
नहीं होगा तो ये बात तो असत्य हो जाएगी, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रही। चार जो है एक से छोटा थोड़ी है, चार तो बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल आपके पास एक चार था जो आर में था, लेकिन उसका उल्टा जो है आर में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नहीं हो रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है वो सम्मित नहीं है। सीधा आप कह सकते हैं कि हमारा संबंध सम्मित नहीं है। कोई भी अदर एग्जाम्पल, आप एक चार की जगह एक पाँच भी एग्जाम्पल ले सकते थे, एक पाँच एग्जाम्पल आप बता देते, वो भी सम्मित नहीं होता। फिर इसके बाद संक्रामक की और बात कर लेते हैं कि संक्रामक है या नहीं। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वतुल्य नहीं है, मतलब एग्जाम्पल आपको ऐसा लेना ताकि स्वतुल्य ना हो, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक के लिए हम एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो जिनमें जो है आर में ना आए उनका रिजल्ट। तो यदि आप ऐसे एग्जाम्पल लेते हो, जैसे हमने एक दो लिया और दो तीन लिया, और फिर देखा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटी है, मतलब ये दोनों हमारे आर के अंतर्गत आ रहे थे। अब इनका रिजल्ट यदि हम देखते तो इनका रिजल्ट बनता 1 3, बनता इनका रिजल्ट 1 3 बनता। जे आर में आएगा कि नहीं आएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के स्क्वायर से छोटी होती, मतलब आर में आ जाता। मतलब ये तो एग्जाम्पल ऐसा है जो आर के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन हमें लेना है एक ऐसा एग्जाम्पल जो आर के अंतर्गत ना आए। तो ऐसा एग्जाम्पल यदि आप देखें तो ऐसा आपको या तो बटे में लेना होगा या दशमलव में लेना होगा। जैसे हमने लिया 3 और 2 लिया एक एग्जाम्पल, 3 2 और 1 एग्जाम्पल लिया, 2 और 1 दशमलव 5 एग्जाम्पल लिया। दशमलव में कुछ भी आप संख्या लें, मतलब ये दोनों संख्याएं जो हैं बिलोंग कर रही हैं आर से, क्योंकि बिलोंग इसलिए कर जाएंगी क्योंकि 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, मतलब 4 से छोटा है 3, और यहाँ पे 2 जो है वो 1.5 के स्क्वायर से छोटा होगा क्योंकि 2.25 होता है, वो भी छोटा होता है। तो इनका रिजल्ट जो बनता है, इनका रिजल्ट जो बना, क्योंकि बी समान है तो इनका रिजल्ट बना 3 और 1.5, इनका जे रिजल्ट बना। क्योंकि ए बी और बी सी यदि लेते हो तो इनका रिजल्ट जो ए सी बनता है 3 और 1.5, जे भी बिलोंग करना चाहिए आर से, लेकिन जे बिलोंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप कारण लिख देते हैं, क्योंकि जो 3 है वो 1.5 का स्क्वायर जो 2.25 होता है उससे छोटा नहीं है, इस वजह से जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप कह देते कि हमारा जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से पूरा सवाल आपका सिद्ध हो जाता है। हमें जो सिद्ध करना था कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो सिद्ध हो गया, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा सवाल बताया गया, जांच कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक संबंध इस प्रकार से बताया गया, वो ए बी टाइप में है और बी बराबर है ए प्लस वन द्वारा संबंध परिभाषित था। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच करनी थी कि ये है कि नहीं। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास एक संबंध दिया गया है आर, एक संबंध है वो इस प्रकार से है, जहाँ पे ए बी संख्याएं होंगी, दो संख्याओं के बीच में रिलेशन बनता है हमेशा, बी बराबर ए प्लस वन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जहाँ पे आप ए का मान जो है यहाँ से लोगे और बी का मान भी यहाँ से लोगे, जैसे पिछले सवाल में था वास्तविक संख्याओं की बात थी, तो आप पहली संख्या भी वास्तविक संख्या, दूसरी संख्या भी वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे आप मान रखते चलते हैं। जैसे कि हमने ए का मान कितना लिया, 1, तो बी बराबर आपको मिलेगा 1 प्लस 1, मतलब 2 मिलेगा। यदि आप ए का मान 2 लेते तो 2 प्लस 1 3 मिल जाता, यदि आप 3 ले लेते तो 3 प्लस 1 4 मिलता, यदि आप 4 ले लेते तो 4 प्लस 1 कितना मिलता, 5 मिलता, यदि आप 5 ले लेते तो 5 प्लस 1 6 मिलता, यदि आप 6 ले लेते तो 6 प्लस 1 7 मिलता। लेकिन 7 जो है आपका बी है नहीं, क्योंकि ए और बी आपके इस वाले सेट से होने चाहिए। तो केवल आप जे मान रख सकते हो, बस केवल आपके पास आर सेट में इतनी संख्याएं हो सकती हैं कि एक रखा है तो आंसर आया है 2, एक रखा तो आंसर आया 2, 2 रखा है तो आंसर आया 3, 3 रखा है तो आंसर आया 4, 4 रखा है तो आंसर 5, और 5 रखा है तो 6, लेकिन 6 रखने पे 7 जो उत्तर आ रहा वो हमारे आर के अंतर्गत
नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सात आपके समुच्चय में नहीं था। अब हम चेक करते हैं जो भी हमारा फलन है स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, जो भी संबंध है वो स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो हमने बताया स्वतुल्य होने के लिए आपके पास जितने भी आर में अवयव दिख रहे हैं उन सब की डबलिंग्स होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 अवयव दिख रहा है तो इसके अंतर्गत आपको डबलिंग्स होनी चाहिए, जैसे एक एक होना चाहिए इस आर के अंतर्गत, लेकिन एक एक नहीं है आर के अंतर्गत, दो दो भी नहीं है, तीन तीन भी नहीं है, चार चार भी नहीं है। तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप बता दीजिए जो नहीं है, एक एक हमारे आर के अंतर्गत नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि एक एक ऐसा अवयव है जो आर के अंतर्गत नहीं है। तो स्वतुल्य तो चेक हो गया, अब हम चेक करते हैं सममित है या नहीं है। तो सममित को चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि एक अवयव आप उठाइए और उसका अपोजिट ढूंढिए उसमें है कि नहीं। एक दो हमने अवयव ऐसा लिया जो आर में था, क्या उसका उल्टा जो है वो भी आर में होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप देख रहे हैं कि एक दो तो हमने आर में ले लिया, लेकिन इसका अपोजिट जो है दो एक बनता है वो आर के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः हम कह देते हैं कि हमारा जो संबंध है वो सम्मित नहीं है। सम्मित भी चेक हो गया। सम्मित के बाद अब हम चेक करते हैं संक्रामक को। और संक्रामक को कैसे चेक किया जाता है? पहली चीज आपको पता होना चाहिए, ऐसे दो अवयव आपको चुनने हैं जिनके बीच समान हो, ठीक है ना? आपको ऐसे दो अवयव लेने हैं, जैसे आप जे दो अवयव ले सकते हैं, दो दो समान है, तीन तीन समान है, चार चार समान है, पांच पांच समान है। तो कोई भी ऐसे अवयव लीजिए, जैसे हमने लिया 3 4 लिया और 4 5 लिया, दो अवयव ऐसे चुने जो आर के अंतर्गत थे क्योंकि इनमें चार चार समान थे। तो इनका रिजल्ट जो बनता है वो रिजल्ट क्या बना? 3 5, क्योंकि चार चार समान है ए बी और बी सी, तो इनका रिजल्ट ए सी होता है, मतलब 3 5। लेकिन 3 5 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, मतलब आप कह देते हैं कि हमारा जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से इस सवाल में क्या सिद्ध हो जाता है कि हमारा दिया गया जो संबंध है वो ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है।